गुरुवार को लोकसभा में दो कृषि विधेयकों कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य यानी संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 और कृषक यानी सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पर चर्चा हुई। इससे पहले आवश्यक वस्तु अध्यादेश 2020 मंगलवार को पारित हो गया था। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने लोकसभा में कहा कि नए विधेयक किसान विरोधी नहीं हैं और ये किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाएंगे। मैं आपके माध्यम से सदन को ये आग्रह करना चाहता हूँ कि एक तो भारत सरकार की बुद्धि पर आपको इतना भरोसा होना चाहिए कि जो हम कानून लाए हैं उस कानून लाने का अधिकार भारत सरकार को है, यह मैं पहले भी कह चुका हूँ। और दूसरा, ये जो मिनिमम मूल्य वाला आश्वासन एक्ट है, इसमें किसान को सिर्फ फायदा ही फायदा है। कोई भी व्यक्ति अब इस बिल के बाद किसान के खेत तक पहुंचेगा और किसान के खेत के मामले में किसी भी प्रकार का करार इस बिल में निषेध है। खेत का मालिकाना हक किसान का होगा, खेत के बारे में किसी प्रकार का करार नहीं हो सकता है, ये करार होगा सिर्फ फसल का। इस एक्ट के माध्यम से खेत विकसित होंगे, निजी निवेश खेत तक पहुंचेगा और खेत तक तकनीक पहुंचेगी, खेत तक पैसा पहुंचेगा और अच्छी और वैश्विक गुणवत्ता के आधार पर एक किसान खेती करेगा, उत्पादन करेगा और जब वो अपनी फसल को बेचेगा तो उसको उत्पादन का उचित मूल्य मिलेगा। वहीं विपक्षी दलों ने इन विधेयकों को छोटे किसानों के लिए नुकसानदायक करार देते हुए विधेयकों को संसद की स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की थी, परंतु विपक्षी दलों के जबरदस्त विरोध के बावजूद दो कृषि विधेयक गुरुवार को लोकसभा में पारित हो गए। इन विधेयकों के विरोध में शिरोमणि अकाली दल से मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने गुरुवार को मंत्री पद से इस्तीफा तक दे दिया। वही हरसिमरत कौर के इस्तीफे को पंजाब के सीएम ड्रामा बता रहे हैं। अपने देश के और खास तौर के अपने पंजाब के किसानों के साथ जो हजारों की गिनती में पिछले कई दिनों से सड़कों में उतरे हुए इस महामारी के समय में अपने जान को जोखिम में डाल के अपनी आवाज केंद्र तक पहुंचाने के लिए वो कई दिनों से सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, उनकी मांग और हमारी मांग भी सिर्फ यही थी कि जो उनकी मन में शंकाएं हैं इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ, शायद ये ऑर्डिनेंस किसान के भले में हो लेकिन जिसके भले में है उनको आश्वासन देना, उनको भरोसा देना और उनको आश्वस्त करना कि उनकी शंकाओं को एड्रेस करना, ये एक मेरा नैतिक फर्ज और सरकार का फर्ज बनता था। आज मैं उस सरकार का हिस्सा नहीं होना चाहती थी जिन्होंने इनकी शंकाओं को दूर करे बिना ही इस ऑर्डिनेंस को पास करने का काम किया है, इसलिए मैंने अपने पद से, मंत्री पद से इस्तीफा दिया। भाजपा इन विधेयकों को किसानों के लिए वरदान बता रही है तो कांग्रेस और सत्ता पर काबिज होने की कवायद में जुटी आम आदमी पार्टी ने कृषि विधेयकों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और आंदोलन कर रहे किसानों को समर्थन दे रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी इसके विरोध में 2 घंटे का मौन व्रत रखकर इस आंदोलन का हिस्सा बने। ऐसे अध्यादेश हैं जिनके खिलाफ जनता का सैलाब उमड़ना चाहिए था सड़कों पर, लेकिन कोरोना काल होने के कारण हम बिल्कुल पूर्णतः, मैंने इसीलिए अब बार बार अपील की है कि मैं एकांगी तरीके से कुछ लोग मेरी सहायता के लिए जरूर यहाँ पर रहेंगे, एकांगी उपवास। और हमने सरकार को ये बताना चाहते हैं कि पार्लियामेंट में अपने अंधे बहुमत के आधार पर आप किसानों का गला निकालिए, आपने पहले ही किसानों से झूठ बोल के आमदनी दुगनी करेंगे कह दिया, यहाँ दुगनी करना तो अलग रहा, किसान कह रहा है मेरी जमीन छोड़ दो वो बच जाए तो काफी है। किसान यूं तो तीनों अध्यादेशों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन सबसे ज्यादा आपत्ति उन्हें पहले अध्यादेश के प्रावधानों से है। उनकी चिंताएं मुख्य रूप से व्यापार क्षेत्र, व्यापारी विवादों का हल और बाजार शुल्क को लेकर है। किसानों ने आशंका जताई है कि जैसे ही ये विधेयक पारित होंगे इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को खत्म करने का रास्ता साफ हो जाएगा और किसानों को बड़े पूंजीपतियों की दया पर छोड़ दिया जाएगा। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में किसान इन्हीं विधेयकों का विरोध कर रहे हैं। नए विधेयकों के मुताबिक अब व्यापारी मंडी से बाहर भी किसानों की फसल खरीद सकेंगे। पहले फसल की खरीद केवल मंडी में ही होती थी। केंद्र ने अब आलू, प्याज, अनाज और खाद्य तेल आदि को आवश्यक वस्तु नियम से बाहर कर इसकी स्टॉक सीमा समाप्त कर दी है।